सबट्रैक्टेड सॉल्यूशन मींस मी। मैंने हल कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, यस, उसका सॉल्यूशन सीरीज यानी श्रेणी के फॉर्म में फाइंड करना। सारे क्वेश्चंस के लिए एक ही मेथड चलेगा, यस, केवल लास्ट में कॉन्सेप्ट चेंज होगा, बाकी सब में एक ही तरह की। मेन अपन इस तरह की क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनका सॉल्यूशन सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करेंगे। पहले मैंने एग्जाम्पल एक दो बता दूँ, फिर अपने बेसिक इन तरह के उनका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। जैसे ये है एक्स स्क्वायर वाई डबल है, एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या चाहिए अपने को? सीरीज सॉल्यूशन यानी श्रेणी हल। सबसे पहले अपन लेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का सीरीज फंक्शन y का समेशन m 0 टू इंफिनिटी an x की पावर k+b। ये हमेशा जनरल फॉर्म होगी, है ना, ये सीरीज की फॉर्म है। या किसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं? डिपेंडेंट वैल्यू, डिपेंडेंट फॉर्म है y का सॉल्यूशन है। किस फॉर्म में? m 0 टू इंफिनिटी एम एक्स की पावर k+m। अपन एम 0 रखने के लिए फिक्स होगा, के नॉट अपना नॉट इक्वल्स टू ये फिक्स है। अब अपने को क्या क्या चाहिए इसमें? वाई डैश और बाकी ये सारे क्या है? कॉन्स्टेंट है। अपन क्या काम करेंगे इसमें? एम 0 रखो, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ये सारे कॉन्स्टेंट निकाल के इसको यहाँ रखेंगे, सॉल्यूशन आता है ना। तो इसकी वैल्यू निकालनी। सबसे पहले क्या ले रहे हैं? बाय इक्वेशन पहली वाई डैश क्या हो जाएगा? समेशन एम 0 टू इंफिनिटी एन, क्या आ जाएगी कंडीशन? k+m। ये हो गया डिफरेंशियल। फिर हम करते हैं वाई डबल डैश एम 0 टू इंफिनिटी एम, और ये क्या हो जाएगा? k+m, k+m माइनस वन, k+m। ठीक है, याद है। अब इन वैल्यूज को अपन थर्ड फोर्थ इनको पुट कर देंगे फर्स्ट में, सेकेंड थर्ड फोर्थ से वैल्यू फर्स्ट में। तो इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ को फर्स्ट में रखने से क्लियर। इसमें इसका सॉल्यूशन सीरीज के कोई भी डिफरेंस नहीं। तो यहाँ अपन जनरल मेथड है कि इस इक्वेशन फर्स्ट का सीरीज सॉल्यूशन ये मान के चलेंगे, है ना, लेट करेंगे, मान लिया। इसका निकाल के हमेशा सॉल्यूशन डिपेंडेंट रहेगा, वाई समेशन एम 0 टू इंफिनिटी एम एक्स की पावर k+, ये वाई डैश क्या हो जाएगा? समेशन एम 0 टू इंफिनिटी एम k+m एक्स की पावर k+m माइनस। क्लियर। अब बन क्या करें इस सेकेंड और थर्ड को किस पे पुट कर देंगे? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और वाई डैश। अब वाई डैश क्या होगा? इसका डिफरेंशिएट करो, एम कांस्टेंट है, ये फिक्स होगा हमेशा, ए नॉट नॉट इक्वल टू जीरो। एम ये हो जाएगा k+m एक्स की पावर k+m माइनस वन, इसकी वैल्यू आ गई, ये वाई डैश हो। फिर वाई डबल डैश समेशन एम 0 टू इंफिनिटी एम k+m माइनस वन और एक्स की पावर k+m माइनस टू। ये वाई वाई डैश वाई डबल डैश, इन सारी वैल्यूज को अपन किस पे रख देंगे? फर्स्ट।
यार बस में रखने का मतलब बारिश की जगह ये वाली होती है, बारिश की जगह ये और बारिश की जगह ये, तो क्या हो जाएगी कंडीशन अपने पास। x² y² ये वैल्यू एम 0 to ∞ k+m -1 x^2 -2 यार y डैश 0 to ∞ और x^2 यार x² -x² y बचा है क्लियर। बस कोशिश नहीं कॉल करके a₀ a₂ a₁ a₂ a₃ सारी वैल्यूज करके सेकंड करते हैं तो रिलीज कर लो ना कांस्टेंट निकाल। सबसे पहले देखो ये समेशन इस समेशन की कांस्टेंट, तो कोई कांस्टेंट समेशन के अंदर भी ले सकते हैं बाहर भी ले सकते हैं। तो मैंने इस x² को समेशन के अंदर ले लिया, अंदर भी जबकि कितना आ जाए a+m - 2+2 कैरेक्टर ये आ जाएगा समेशन m₀ to ∞ a+m - 1 ये अंदर गया x^k+ फिर प्लस समेशन m₀ to ∞ ये है अंदर चला जाएगा, ये अंदर गया तो ये फिर कैंसिल हो गया ऐसे ही ये है अंदर जाएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पावर से में बेस से में पावर जाएगी जाएगी a+ फिर ये x² अंदर जाएगा तो कितना जाएगा a₀ x^2 ये n² ऐड होगा नहीं इसको इसी फॉर्म में तो -n² समेशन m₀ to ∞ a₀ x^2 k+m इसको इसका मतलब ये नहीं कंडीशन x^k+m x^k+m इन तीनों समेशन को साथ में ले क्या आ जाएगा m₀ to ∞ इस समय से एक तो एम कॉमन आ जाए x^k+m कॉमन आ जाए क्या बचा क्लियर ये और प्लस प्लस या माइनस इसका और ये माइनस क्लियर बचा बोला ये याद रखना सेम पावर वालों को करने कॉमन लेके साथ में अब मैं इसको सॉल्व कर सिंपलीफाई कर
करें? m0 to infinite, a n x की पावर k+n, याद करें एग्जाम्पल, इस k+n को इस k+n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? होल्स, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया k+n का होल्स, फिर इस k+n को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल होगा। और चाहे तो मुझे लग सकती हो ये के से करा हो ये, फिर ये हो, और ये एज इट इज। सारे क्वेश्चन में मेथड यही चलेगा, लास्ट में समय चेंज हो जाएगा, बाकी ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर? अब इसके फैक्टर को a² - b² क्या हो जाएगा? फिर इससे अपन पहले निकाल के a1 a2 c3, पहले k निकालो, पहले k की वैल्यू ना, m 0 to infinity, am x की पावर k+, ये a² - b², ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्या हो जाएगा? a+b, और a-b। क्लियर? और ये कंडीशन ले रहे हैं, समेशन m0 to infinite am a+m+2 जीरो। अब लेंगे कंपेयर करना दें बहुत ही टाइट कॉफिशिएंट और मिनिमम पावर ऑफ ये कंडीशन, कॉफिशिएंट ऑफ, मैंने m0 रखा, ध्यान से देख k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये फाइंड k के लिए क्या करेंगे, कॉफिशिएंट जो इससे x की सबसे मिनिमम पावर आएगी उसको 0, उसके कॉफिशिएंट को 0 रखा, मिनिमम वन से आएगी m0 रखने x की पावर के, तो अपन क्या कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर k को 0, किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, k के लिए जो मिनिमम पावर है, x की पावर k का मिनिमम पावर है, यहाँ 0 रखा हूँ, क्या यहाँ से x की पावर k आएगा? m0 k+2 आएगा, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है x की पावर k, m0 रखने पर उसको मैंने इसके कॉफिशिएंट को 0 रखा, ये वैल्यू आ गई। अपन ने अच्छी बात है लोग, ऑफिशियल और एक्स की पावर उसके गुणांक, एक्स की पावर के का गुणांक तो मैंने m0 रखा, a0 एक्स की पावर के का गुणांक और उसको 0 रखा ना, ये तो ऑफिशियल का मतलब उसका गुणांक, एक्स की पावर के से जो गुणांक हो रहा है उसको 0, यार अपन ने स्टार्टिंग में इक्वेशन सेकंड लिखी उसमें मैंने बोला था a0 0 नहीं होगी, तो ये वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a+n 0 होगा, a-n 0 होगा, वैसे तो अपन खुद ही दो का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दो का सेम 0, यहाँ k की वैल्यू बन गई दोनों को 0 है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -n और वापस अपने को फाइंड करनी है के की वैल्यू, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है सीरीज को ओपन करना, m0 रखो, तो सबसे छोटी पावर कौन सी होगी, लीस्ट पावर ऑफ x की सबसे छोटी पावर कौन सी होगी, x की पावर k होगी, कैसे मैंने m0 रखा, ये सीरीज m0 रखने पर क्या आएगा, इसकी पावर k1 रखोगे, k+1 k+2 या कुछ, और इस पे m0 रखोगे क्या आएगा, k+2 k+3 या आएगा, सबसे छोटी पावर कौन सी है इसकी, x की पावर k, तो जो सबसे छोटी है लीस्ट पावर ऑफ x है इसके कोफिशिएंट को 0, तो लीस्ट पावर ऑफ एक्स
उसको आप उसके कोफिशिएंट को अपन क्या किया जीरो के को, तो एक्स की पावर के का कोफिशिएंट जीरो को ए नॉट, और यहां पे ये प्रेजेंट इसको अपन ने जीरो के का। अब स्टार्टिंग में बोला था ए नॉट क्या है, नॉट इक्वल टू डी, तो इसका मतलब ए प्लस एन के नॉट का क्या हो जाएगा जीरो के का, तो के कितना हो जाएगा माइनस एन और प्लस, ये के की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर? अब अपन करेंगे इससे ठीक एक पावर बड़ी उसके कोफिशिएंट को जीरो के, या तो वो कौन से, या फिर आप जनरल है, जनरल या देखना जनरल के लिए क्या बनानी है, या तो तुम कॉफिशिएंट लाओ, ये मैं किसके लिए कर रही हूँ फाइंड के, एम का मतलब ए वन ए टू ए थ्री इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कर, कॉफिशिएंट लाओ एक्स की पावर के प्लस एम को जीरो की जनरल फाइंड कर, के प्लस एम भी बोल सकते हो या कॉफिशिएंट लाओ एक्स की पावर के प्लस एम प्लस टू भी बोल, दोनों में से एक लिखेंगे, दोनों बताएं जो तुमको इजी लगे वो बन, तो एक्स की पावर के प्लस एम का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, के प्लस एम प्लस एम के प्लस एम, पूरी इक्वेशन में बोल रहे हैं क्या यहाँ से एक्स की पावर के प्लस एम का कोफिशिएंट आएगा, मैं एम माइनस टू रखू, एम जीरो से इनफाइनाइट तक वन टू थ्री, एम की जगह एम माइनस रखू, अगर एक्स की पावर के प्लस, तो मैंने एम की जगह एम माइनस टू रखा इधर लगा के इधर की तरफ, तो क्या हो जाएगा ए एम माइनस टू एक वैल्यू ले एक्स की पावर के प्लस का कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने एम जीरो रखा जीरो वन टू थ्री फोर, एम भी है एम प्लस वन भी है, तो केवल से एक्स की पावर के प्लस एम का गुणांक देखें तो उससे गुणांक कम हो रहा है, के प्लस एम प्लस एन के प्लस एम माइनस एन, और उसमें से भी ले रहे हैं उसमें से भी एक्स की पावर के प्लस एम की जगह एम माइनस टू, तो यहाँ एम की जगह माइनस टू रखा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एम माइनस टू, नहीं आना चाहिए नहीं गुणा बोल रहे है ना, जो मल्टीप्लाई हो रहा कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट थी इससे जो मल्टीप्लाई, इसके हाँ मल्टीप्लाई हो गया ये वाला भी बता दी, अब इसमें से एम कितना हो जाएगा बड़ी वैल्यू, और अगर तुम ये एक्स की पावर के प्लस यहाँ है क्या एक्स की पावर के प्लस, यानी इसमें दो पद बढ़ा के लिखना प्लस प्लस एम की जगह एम प्लस टू, तो जब मैं यहाँ एम प्लस टू जहाँ जाएगा की जगह एम प्लस टू रखते, यानी ये हो जाएगा एम प्लस टू के प्लस और इधर ए एम ही रहेगा, दोनों में से इजी कौन सा होगा सॉल्व कर सकते, इसमें एक ही टर्म है इसमें तीन टर्म है इन्होंने करा था क्या, इसमें एक ही हो क्लियर, अपन कौन सा वाला ले लेंगे सिंगल वाला, ये लेना चाहो ये भी रहेगा, ये लेना चाहो ये भी रहेगा, बट इजी किससे हुआ, इसमें केवल एक ही तो रिप्लेस था, इसमें तीन ही जगह था, और इससे किसकी वैल्यू हो जाएगी ए एम प्लस टू की, ए प्लस एम प्लस टू दोनों सेम है, देखो ये इधर है यानी यहाँ दो बड़े हुए, इधर बड़ा हुआ है तो इधर भी दो बड़ा हुआ है, इधर इधर भी दो बड़ा हुआ सेम ही, बट इजी होगा तो मैंने ये वाली कर दी,
ठीक है अब अपन ए वन से स्टार्ट करेंगे। ए वन ए टू ए थ्री। अब मैंने यहाँ वन रखा, ध्यान से देख, जब मैंने वन रखा वन माइनस ए माइनस वन के नेगेटिव वैल्यू नहीं है, नेगेटिव वैल्यू नहीं। अब तो कहाँ से स्टार्ट होगी, ए नॉट ए वन ए टू ए नेगेटिव है क्या, नहीं। तो मैं इसमें एम की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करूंगी, टू टू माइनस टू जीरो, ठीक है। उस फॉर्म में तो एम की वैल्यू अपन कहाँ से स्टार्ट करें, टू टू थ्री फोर ये सब आ जाएंगे। तो ए टू आ जाएगा, ए थ्री आ जाएगा, ए टू सब आ जाएंगे। क्या ए वन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ए वन फाइंड करने के लिए क्या सकते हैं, जो अपन ने कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात की 0 रखा, इससे ठीक एक बड़ी पावर के कोफिशिएंट को 0 टेक कर सेट, ठीक बड़ी पावर को इसको के प्लस 1 उससे ए वन की बात। इस बात को पढ़ने से पहले निकालता हूँ या बाद में निकाल लू, इसको देता है इक्वेशन फोर तक आई थी ये फिफ्थ, ठीक है। इन दोनों में से कोई ए लिखना, पहले यहाँ लिखा है तो के लिए लिखा, बाकी ये लिख लेना। फाइंड ए वन के लिए क्या करेंगे, एक्स की पावर केस में ठीक एक बड़ी पावर के कोएफिशिएंट को 0 से कर, क्लियर। ए वन फाइंड करना, तो एक्स की पावर के प्लस 1 का कोएफिशिएंट, के प्लस 1 क्या है, जब मैं 1 रख तो ए वन के प्लस 1 ए प्लस वन माइनस है, ठीक है। इधर से आएगा कि क्वेश्चन, इससे तो छोटी पावर है जी प्लस वन ही आएगा, इक्वल टू जी। अब क्या के की वैल्यू, हाँ माइनस है नहीं माइनस में 0 से स्टार्ट स्टार्टिंग जीरो। अब के की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एन और माइनस एन की, अगर मैंने इसको 0 रखा तो के कितना है, क्या ये पॉसिबल है क्या, के की वैल्यू क्या था, ये नॉट इक्वल, ऐसे ही के की वैल्यू नॉट इक्वल, क्लियर। तो ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 तो ए1 कितना हो जाएगा, 0, क्लियर। ए1 की वैल्यू 0 है। अब अपन ए2 की वैल्यू किस पॉइंट में, इक्वेशन पे m2 रखें, ए टू कितना हो जाएगा, ए नॉट ए प्लस 2 प्लस 1 ए प्लस 2 माइनस, फिर m3 रखें, 3 पे कितना हो जाएगा 3, और ये माइनस है ध्यान से देखना, इसके अकाउंट में फैक्टर्स आएंगे। अब a2 0 है, ठीक है नीचे कुछ भी हो, ठीक है। फिर a4, m4 रखो, a4 क्या हो जाएगा माइनस a2, और ये a+ अब a2 की वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू वापस रख दो, क्या आ जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a+2+n, a+2-n, a+4+n, ऐसे ए फोर टीचर जीरो, चार पांच निकाले, 1 0 आया, 3 0 आया, 3 के कारण 5 0 आया, क्लियर। क्यों, क्योंकि मेरे यहाँ 5 0 जीरो और वाले खाली कर, तो ये सारे वाले निकल जाएंगे, फुटेगा डीप वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड जी क्या, समेशन एन 0 टू इनफिनिटी के एम एक्स की पावर के प्लस एन, ध्यान से देखना, मैंने एक्स में से एक्स की पावर के तो बाहर आ गया, समेशन से कोई इफेक्ट नहीं, इसको ओपन करें, ये है ना,
एक्स की पावर के ए वन कितना आया, जीरो। ए टू कितना आया, ये ए टू एक्स, और ए थ्री कितना आया, जीरो। ये फोर की वैल्यू, ए जीरो, ये क्या आ जाएगा, एक्स की पावर फोर, ये फैक्टर्स लिख लेना, चार फैक्टर्स है, एंड सॉल्व। समझ आ गया, ये कंडीशन आ गई, अब ऊपर क्या करें इसमें, तो फोटो अच्छा हाँ, ये आ गई कंडीशन। इन सब में से ए नॉट बार आ जाए, सब में ए नॉट आए, वो ए जीरो कॉमन आ जाए। अब अपने के की दो वैल्यू थी, ए नॉट माइनस एन थी, तो वैल्यू के कितना है, तो वाई कितना होगा, ए नॉट बार है, उस ए नॉट को अपन ए मान, जो ए नॉट बार है ना ए मान, ये एक्स की बार है, 1 माइनस x स्क्वायर, क्या रखा अपन ने, केसी पे 10, 2n+2, या n रखा, n सॉल्व। ये होगा ए, इसको मानेंगे u, एक सॉल्यूशन u, ये u यानी अंदर वाले को, दूसरा k माइनस है, दूसरा n नॉट, ये नया कॉन्सेप्ट। तो y क्या हो जाएगा, ए एक्स की पावर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, ये टू, ये मैं तुझे तो बी मान, हाँ बी मान, ये y+2 बी, क्लियर। तो पल्स का जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा, व्यापक हल y+au+bb, ये सीरीज की कॉन्वेक्स सॉल्यूशन, क्लियर। यहां तक आया, अपन ने क्या किया, एक जगह ए नॉट को एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट ए वन, याद है हमेशा, और इस पूरे को यू ले लिया सीरीज। फिर दूसरी बात की माइनस ए नॉट को नया कांस्टेंट